wish you could see yourself. You're sitting there on my chair, I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. अगर चाहिए एक साफ घर तो उसके लिए चाहिए सारा सामान जो कि बिल्कुल बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो, और वो कैसे हो सकता है जब हम उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजर अपने पास रखें। तो एक तरीका तो है कि आप मार्केट से ऑर्गेनाइजर ले लो, घर को बिल्कुल बढ़िया तरह से सही करके रख लो। लेकिन हमारे जो इंडियन घर होते हैं ना, उसमें स्पेस अपने ढंग से हमने अरेंज करके रखा होता है, और कई बार वो ऑर्गेनाइजर जो हम मार्केट से लेकर आते हैं उस स्पेस में फिट नहीं बैठते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास खाली कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे ना, काफी ढेर सारे मैंने इकट्ठे कर रखे थे, तो वो इसीलिए ही मैंने रख रखे थे कि मैं उनसे कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। तो आज मैंने बनाए हैं ढेर सारे ऑर्गेनाइजर, तो चलिए आपको दिखाती हूँ बिना देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ड्रॉअर लगी हुई है मेरे ड्रेसिंग एरिया में, जिसका की साइज काफी कम है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजर में नहीं रख पाती हूँ। तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया बिल्कुल इसी के मेजरमेंट का, और ये हैं मोबाइल फोन्स के कुछ खाली डब्बे, और मैं इन दोनों की मदद से एक बहुत ही बढ़िया ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर प्रिपेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने इतना बड़ा एरिया ले लिया कि इसमें ये तीनों ड्रॉअर्स आ सकें, और इसे जो है मैंने कट कर लिया, और ये इसका फ्रंट साइड है ड्रॉअर्स के लिए। देखिए कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, और इसमें ये तीनों जो मोबाइल बॉक्सेस है ना, ये आ जाएंगे, और इससे ये तीनों ड्रॉअर का काम करेंगे। अब मुझे इसे थोड़ा सा सही करना था, लेकिन पहले मुझे क्या करना है, पेंट करना है। इनमें पेपर नहीं चिपकाया मैंने, जो एक्रिलिक पेंट होते हैं पेंट कर लिया, और जो ये बॉक्स था इसका जो ऊपर और नीचे का सरफेस है उसे थोड़ी सी मजबूती मुझे देनी थी, और उसके लिए मैंने एक और कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया। और पेस्ट करने के लिए फेवी बॉन्ड क्विक फिक्स हो या फेविकॉल हो, किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में मैंने कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस लगा दिए, और ये रेडी हो गया। अब इसके ऊपर गिफ्ट रैप पेपर, वॉल पेपर, जो भी आप चिपकाना चाहें, और आजकल तो जो है ना न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े भी चिपका देते हैं, उनसे भी बड़ा अच्छा लुक आता है। तो मैंने इसमें अंदर बाहर अच्छी तरह से ये वॉल पेपर मेरे पास बचा हुआ जो रखा था वो मैंने लगा दिया, और देखिए ये तैयार हो गया आउटर पार्ट ड्रॉअर का। और देखिए अब हमें क्या करना है, इन ड्रॉअर्स के फ्रंट वाले हिस्से का पार्ट बनाना है, जिससे कि इसको आगे पीछे कर सकें। तो दो मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस लेके उनको आपस में पेस्ट कर लिया है, तीनों ड्रॉअर के लिए बना लिए, और आगे इनको लगाने से पहले इनको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे। ये लिया वही फोम जो शीट आती है जिसे हम सिलाई में यूज़ करते हैं, इसको हम पहले आगे इसके मतलब चिपका देंगे, इससे जो इनका लुक आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा, और फिर हम इसके ऊपर कोई भी जो फैब्रिक का पीस होता है वो पेस्ट करेंगे। कोई भी बचा हुआ टुकड़ा हो कपड़े का वो ले लीजिए, और इसके चारों तरफ अच्छी तरह से पेस्ट कर लीजिए। ड्रॉअर बनाई थी, और ड्रॉअर्स को बीच में सेपरेट करने के लिए ना मैंने ये दो भी बनाए थे जो उनके बीच में डाल दूंगी, तो ड्रॉअर्स अंदर से भी आपस में एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। अभी इसको नहीं लगाया है, मुझे जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि ड्रॉअर्स बहुत छोटी हैं। और जो हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजर है ये बहुत ही काम में आने वाला है। इसके लिए लिया लंबा एक इस तरीके का कार्डबोर्ड बॉक्स, और ये हैं उन्हीं मोबाइल के ढक्कन जिनको कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी इन कवर्स को। लेकिन उससे पहले हमें जो ये अपना कार्डबोर्ड का बॉक्स है इसको थोड़ी सी मजबूती देनी है, तो जो इसके कवर्स हैं वो हम इसी में पेस्ट कर देंगे, और पेपर टेप की मदद से इसको बिल्कुल बढ़िया तरह से बांध देंगे। अब मैं इसके चारों तरफ ये एक गिफ्ट रैप पेपर लगाऊंगी, जो कि मैंने लोकल शॉप से एक लाइट कलर का परचेस किया था,
और इसके बीच वाला जो एरिया है ना, वहाँ के लिए भी मैंने एक पीस रेडी कर लिया है और उसको भी मैं अच्छी तरीके से बीच के एरिया में पेस्ट कर दूंगी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड पे रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया तैयार, जिसमें कि ड्रॉर्स लगेंगी, सॉरी कुछ शेल्फ्स लगेंगी, और ये जो मोबाइल के कवर्स हैं इनको भी गिफ्ट रैप पेपर में मैंने जो है लपेट लिया, और उसके बाद इनको भी हम इसी में फिक्स कर देंगे। तो क्विक फिक्स की मदद ले लीजिए या फेवी बॉन्ड की मदद ले लीजिए, उससे ये अच्छी तरीके से पेस्ट हो जाते हैं। और हाँ, इसको थोड़ी देर आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये तीनों पीस इसमें रेडी हो गए, और अब मैंने इसमें लगा दी कुछ व्हाइट कलर की लेस जिसमें छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं। और इसके बाद जो छोटे छोटे से मेरे पास और कुछ बटन्स वगैरह पड़े हुए थे, इनको मैं लगाऊंगी, और एक आर्टिफिशियल फ्लावर है, मैं उसको भी इसी में पेस्ट करूंगी। इन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने से चीजें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने मार्केट से ली हो, और बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये ऑर्गेनाइजर मेरा रेडी हो गया, बहुत ही यूजफुल है। छोटे छोटे निक नैक्स, इसकी सारी जितनी भी छोटी छोटी शेल्फ बनी है ना, देखो यहाँ पे इसमें जो है आ जाएगा, जैसे लिपस्टिक हुई और नेल पेंट्स हुए, या फिर जैसे छोटा छोटा और भी बहुत ढेर सारा घर में जो सामान होता है वो किचन में भी इसे यूज कर सकते हैं छोटी बॉटल्स रखने के लिए। और इसकी जो शेल्फ है ना, ये काफी मजबूत है, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। छोटी सी क्यूट जो शेल्फ मैंने बनाई है ना, स्टैंड बनाया है, इसको मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया में प्लेस किया, और इसमें मेरा छोटा छोटा बहुत ढेर सारा सामान आ गया। ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैंने जो कार्डबोर्ड का पीस लिया वो थोड़ा सा नैरो है, मतलब पतला है, और इसके तीन साइड का कवर मैंने कट कर लिया है, एक साइड का छोड़ दिया है, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये गिफ्ट रैप पेपर। देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा सा ये है, अंदर और बाहर अच्छी तरीके से इसमें लगाया। ये वाला जो गिफ्ट रैप पेपर है ये थोड़ा सा जो ग्लेस पेपर आता था उस टाइप का है, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी शाइन है। और अब देखिए ये सब तरफ मैंने लगा दिया है, और ऊपर के एरिया में से मुझे थोड़े से कॉर्नर्स कट करने थे, ताकि जब मैं इसको हैंग करूं या कहीं रखूं तो ये सुंदर लगे। तो ऊपर से एक इस तरीके की शेप मैंने दे दी है, और मेरे पास कुछ रिबन्स वगैरह हैं, अब वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, और ये जो ऊपर का एरिया है इससे ये बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। और ये रेड कलर का कॉटन का रिबन है, ये मैंने प्लेस कर दिया इसमें, और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर जो मैंने पहले लगाए थे ना, उसी के दो पीस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर है ये एक तो बहुत कम जगह लेगा, और इसमें बहुत ढेर सारा सामान आ सकता है। ये देखो कितना बढ़िया बन गया है, और इसके ऊपर जो ये पेपर लगाया ना, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। और मैंने ये कहाँ के लिए बनाई है वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने इस ऑर्गेनाइजर को अपने ड्रेसिंग एरिया में हैंग कर दिया है, और जितने देखिए ये आइटम्स हैं ना मेरे जो इधर उधर रखे रहते हैं वो सब इसमें आ गए, और ये दिख भी नहीं रहे कि इसके अंदर क्या रखा है। तो हो गया ना एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर रेडी। कुछ कार्डबोर्ड के बड़े पीसेस ये मैंने लिए हैं, और दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, और इनका मैं फ्रंट पार्ट कट करूंगी। एक्चुअली मैं ये बना रही हूं अपनी अलमारी यानी कि क्लोजेट के लिए, जिसकी कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है, और जो इसका आगे का पार्ट पूरा हमको नहीं कट करना है, देखिए इतना कट करना है कि बस ये इस तरह से सामने आ जाए। और इसके ऊपर अब हम अच्छी तरीके से कोई भी पेपर लगा देंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और देखिए ये इस तरह से ये पीस बाहर निकल जाता है और अंदर आके टिक जाता है। अब जो हम इस पे गिफ्ट रैप पेपर लगाएंगे, अगर आपके पास वो ना हो तो आप कोई भी फैब्रिक का पीस भी इस पे चिपका दीजिए, अच्छा लगेगा। और अंदर और बाहर की तरफ से अच्छी तरीके से मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही पुराना रखा हुआ गिफ्ट रैप पेपर लिया, और देखिए ये रेडी हो गया। इसके अंदर सबसे अच्छा
चीज है कि सारे इसके अंदर आप अपनी ड्रेसेस रख सकते हैं और वो दिखाई देती हैं, लेकिन अलमीरा को और अच्छा नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए आप इसे इस तरह से थोड़ा सा बंद कर सकते हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कौन से कपड़े रखे हैं। और अब मैं क्या करूंगी, अपनी अलमीरा की डीप क्लीनिंग करूंगी, सारे कपड़े बाहर निकालूंगी और फिर इसमें लगाऊंगी और तब इनका आपको लुक दिखा दूंगी। तरह के छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं हमारे पास बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, ये स्वीट बॉक्सेस होते हैं या बहुत ढेर सारे देखिए मेरे पास भी हैं, और इनको अब मुझे ऐसे मतलब बनाना था कि इसमें मैं जो आइटम रखूं वो देखने में ऊपर से मतलब अंदर तो जो भी हो लेकिन ये ऊपर से सुंदर लगे। एक्रेलिक पेंट से मैंने इसमें पेंट कर लिया है और इसका तो मैं बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करने वाली हूँ। और छोटे छोटे जो और मेरे पास कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे उनको भी मैंने पेंट कर लिया, ड्राई होने के लिए मैंने इनको रख दिया। ये स्टेंसिल्स की शीट आती हैं, इसमें बहुत सारे डिजाइंस होते हैं और इनको किसी भी स्पंज ब्रश की मदद से हम ऊपर से डैब डैब करके सरफेस पे किसी भी सरफेस पे इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी बॉर्डर्स वाली हैं, इनमें से कोई भी एक बॉर्डर सिलेक्ट किया जा सकता है। तो मैं इसमें बना रही हूँ ये कॉर्नर वाली, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सरफेस पे इसको रखेंगे स्टेंसिल को और कलर लेंगे और इसके ऊपर डैब डैब करेंगे, लेकिन कलर बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल भी ज्यादा कलर इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह का डिजाइन बनाया है ना, कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से इन स्टेंसिल से डिजाइन बन जाता है। अब जब दूसरी बार इसे रखेंगे तो एक बार इसे क्लीन कर लेंगे। और देखो जो ये वाले बॉक्सेस हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये, और इसके अंदर ना मैं जो और बॉक्सेस हैं उनको भी रखूंगी, उनको भी मैंने पेंट कर लिया है। और जो ये ब्लैक वाला बॉक्स है इसमें मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी स्टेंसिल वगैरह नहीं बनाई है, इसमें कुछ करूंगी बताऊंगी आपको। एक बड़ा ऑर्गेनाइजर तो मुझे हमेशा ही चाहिए होता है, तो ये एक बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया, थोड़ा सा ये खराब हो रहा था तो इसको मजबूती देनी थी, तो वही फोम शीट ली मैंने जो हम सिलाई में इस्तेमाल करते हैं और फेविकॉल की मदद से बाहर के एरिया में इसको पेस्ट कर दिया। बहुत ही आराम से पेस्ट हो जाती है, बहुत ही ये मुलायम होती है, लेकिन इससे बॉक्स बहुत ही हैवी हो जाता है और इसका जो लुक होता है वो बहुत ही नीट लुक निकल कर आता है। ये मैंने फैब्रिक लिया था अंदर लगाने के लिए, लेकिन ये स्टेप मेरे से गलती से हुआ, अंदर का फैब्रिक हम बाद में लगाएंगे तो इस स्टेप को छोड़ देते हैं। और ये देखिए मैंने दो पीस जो है मैंने बना लिए हैं जिनको कि अंदर की तरफ मैं इस तरह से रखूंगी। बाहर के एरिया में लगाने के लिए मैंने लिया ये जूट का फैब्रिक, और अगर आपके पास कोई पुराना दुपट्टा या कैसा भी फैब्रिक पड़ा हो उसको आप लगा लीजिए। और ये मैंने देखिए इस तरह से लगाया और बाकी का जो इसका हिस्सा था वो मैंने अंदर की तरफ पेस्ट कर दिया। और इसको पेस्ट करने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है, एक तो उसका ग्लू फटाफट सूख रहा था ना तो बहुत देर वेट नहीं करना पड़ रहा था। और ये है मेरे पुराने मतलब सोफे का पुराना फैब्रिक, इसको मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी, यानी अंदर का फैब्रिक अब बाद में लगाना है और थोड़ा सा जो है बाहर इसको निकालना है ताकि लुक अच्छा आए। ग्लू गन की मदद से इसको भी चिपका दिया और लगा दी इस पे कुछ लेस। ये रेडी हो गया मेरा बड़ा वाला ऑर्गेनाइजर, और इसमें नीचे मैंने थोड़ी सी जूट की जो रोप होती है वो लगा दी है, एक पार्टीशन तैयार कर लिया है बीच में लगाने के लिए कि अगर दो तरह के आपकी ड्रेसेस हों तो आप उन्हें सेपरेट करके रख सकते हैं। छोटे छोटे जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं ये मैंने कुछ ऐसे लिए जो कि मेरी एक ड्रॉअर में प्रॉपरली आ जाएं और एक ड्रॉअर का ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाए। इनके ऊपर तो कुछ नहीं करना है, बस एक गिफ्ट रैप पेपर चिपकाना है और फिर मैं इनको लगा दूंगी अपनी बेड की साइड ड्रॉअर्स में। और देखिए ये कितनी बढ़िया तरह से फिट हो गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। हो गया ना एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर रेडी। आज का
वीडियो है ना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और कुछ वीडियो से मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर रही थी, उसका रीजन ये था कि शानू की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उसे वायरल फीवर था, लेकिन हाँ अब वो ठीक है। उसे मैंने यही मथुरा बुला लिया था, अब दिल्ली चला गया है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। तो अब मैं धीरे धीरे करके सब कवर कर रही हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो हो गया एंड, कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।